नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में 12 फरवरी यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद फ्लोर टेस्ट का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार विश्वास मत हासिल किया, जिसके बाद से बीजेपी और जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच फ्लोर टेस्ट में पटखनी खाने के बाद आरजेडी की ओर से रिएक्शंस सामने आने लगे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल व आरजेडी नेता तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में वोट करने को लेकर चेतन आनंद को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही चेतन आनंद को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने चेतन आनंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में जबरदस्त सुना दिया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लेकिन तुम्हारी आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं है, आज ये साबित हुआ। आपको याद दिला दे कि बहुमत परीक्षण से पहले आरजेडी विधायक और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के पाला बदलकर एनडीए खेमे में आने के बाद उनका एक फेसबुक पोस्ट सामने आया था। चेतन आनंद ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा था कि ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है, जिसके बाद ही तेज प्रताप यादव का यह पोस्ट सामने आया है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तेजस्वी उसी समय से कह रहे थे कि खेला होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान पूरा नजारा बदल जाएगा और आरजेडी के विधायक ही टूट गए। चेतन आनंद ने नीतीश कुमार के समर्थन में वोटिंग कर सबको चौंका दिया। आपको याद होगा कि ये ठाकुर का कुएं वाली बात नई नहीं है। कुछ ही महीनों पहले महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता। आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था। वो कविता थी चूल्हा मिट्टी का, कि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर। मनोज झा के इसी बयान पर अब चेतन आनंद ने फेसबुक पोस्ट कर उनके विचारों का विरोध किया था। चेतन आनंद ने उस वक्त भी फेसबुक पर लिखा था कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं, इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है, समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर, अपने यानी कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। वहीं इसे लेकर अब तक विवाद कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है। वही बात कर ले फ्लोर टेस्ट के ठीक एक रात पहले की, तो चेतन आनंद को लेकर रात के 1 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा तेजस्वी यादव के आवास पर देखने के लिए मिला था। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद को लेकर पटना पुलिस को शिकायत की गई थी कि उन्हें किडनैप करके तेजस्वी यादव के आवास पर रखा गया है। इसके बाद
पुलिस इसकी जांच करने तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस को वहां आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा और काफी हंगामा भी हुआ। इसके बाद चेतन आनंद ने पुलिस से कहा कि वो अपनी मर्जी से यहां आए हैं। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई थी। इसके बाद आधी रात बीतते बीतते एक बार फिर पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गई। पुलिस जब देर रात दोबारा तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची तो आरजेडी विधायक चेतन आनंद वहां से निकल गए और अपने घर चले गए। इसके बाद चेतन आनंद ने सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो एनडीए के खेमे में शामिल हो गए। वहीं अब नई सरकार के पूर्ण रूप से गठन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई तरह की प्रक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इस बीच आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने चेतन आनंद पर इशारों इशारों में बहुत कुछ सुना दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।